व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डेली जामा मस्जिद के पास चिकन चंगेजी जो मिलती है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बाजार स्टाइल में आपको बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ज़्यादा झंझट है इसमें। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस लगती है, सुपर टेस्टी लगती है, सबको बहुत पसंद आती है, तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते और हैं। ये देखिए, ये 1 किलो चिकन है। 1 किलो चिकन हमने लिए हैं, धोकर अच्छे से साफ़ कर लिए हैं हमने। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च पाउडर है, इससे कलर अच्छा आता है, इसको डालेंगे। फिर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। बाद में टेस्ट के हिसाब से फिर डाल लेंगे, लेकिन एक बार में नहीं डालेंगे। यह है तीखी लाल मिर्च है, इसे हम 1 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जिस हिसाब से आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से आप इसे तीखा बना सकते हैं और कम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद डालेंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद डालेंगे दही फ्रेश ताजी, 1 कप दही डालेंगे। इसके बाद डालेंगे नींबू, 1 नींबू का रस है, इसको भी डाल देते हैं इसी में। और इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है और इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा घंटा हमें इसको रखना है। अगर आपके पास टाइम हो तो 1 घंटा इसको रख दीजिएगा, तो अच्छे से जितने मसाले हैं वो चिकन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी पकता है चिकन। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं, चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को और ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर हम 15 मिनट तक के लिए इसको रख देंगे। एक पैन हमने रखा हुआ है, जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम आइए दूसरा काम कर लेते हैं। ये 1 टीस्पून मेथी है, इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं कुरकुरा होने तक। स्लो आंच पे करिएगा वरना बहुत जल्दी जल जाता है ये। ये देखिए हमने बड़ी कढ़ाई रखी हुई है, उसमें हमने 1 कप तेल डाला हुआ है। अब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज है, इसे पतला पतला काट के हमें फ्राई करना है। इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक हो जाए इसका कच्चापन हमें दूर करना है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको फ्राई कर लेते हैं पहले। और ये देखिए बस इतने ही हमें प्याज को लाल करना है, इससे ज़्यादा लाल नहीं करना है वरना प्याज बिरयानी स्टाइल में वो ब्राउन हो जाएगी तो उतना अच्छा उसका ग्रेवी का टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको हम अब बाहर निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे प्याज को बाहर निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए 5 मिनट रख देते हैं, उसके बाद ग्राइंड करेंगे। ये देखिए जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसे 15 मिनट हो गया है। इसे हम पूरा इसमें नहीं पलट देंगे, एक एक करके चिकन तेल में डालेंगे और जो इसमें मैरिनेट किया हुआ मसाला और दही है उसको हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या करना है उसका। एक एक करके हम सारे चिकन को तेल में डाल देंगे। और इसे हम हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करेंगे इसी ऑयल में, जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है, अलग से तेल नहीं डालना है। और ये देखिए फिर हमें भूनते हुए 5 मिनट हो गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है चिकन का। और इस स्टेज पे आके हम डालेंगे ये 2 मीडियम साइज टमाटर है जिसे हमने पेस्ट कर लिया है, इसको भी डालकर इसे
हमें तब तक भूनना है जब तक टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए और अच्छे से भुन ना जाए। और ये देखिए टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है और आपको हल्का हल्का तेल दिख रहा होगा सेपरेट होते हुए, क्योंकि टमाटर बहुत अच्छे से पेस्ट उसका भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने ग्रेवी जो बची हुई है जो मैरिनेट की हुई थी हमने दही, उसको इसी में डाल देंगे और इसको भी इसी में साथ भूनेंगे। इसको भी हमें अच्छे से भूनना है और इसी के साथ हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और थोड़ा सा 1 टीस्पून अगर आप चिकन मसाला डालेंगे तो और टेस्ट बढ़ जाएगा। इन सब को इसमें डाल देते हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और इसको ढक कर 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ देते हैं पकने के लिए। बाद आपसे मिलते हैं। देखिए जब तक चिकन हमारा पक रहा है प्याज ठंडा कर लिया है, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा, और अगर ये पीसने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप 2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गया चिकन को पकते हुए और ये देखिए माशाल्लाह ग्रेवी बहुत अच्छी दिख रही है और मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं जो हमने डाले हैं। अब इस स्टेज पे आके ये जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया हुआ है इसको भी डाल देते हैं। और इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच दही हमने बचा के रखी थी बाद में डालने के लिए, इससे टेक्सचर और स्मूथनेस बहुत अच्छा दिखता है। और ये देखिए जिस जार में हमने प्याज और काजू पीसा था उसी में हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डालेंगे चिकन को पकने के लिए, और 3-4 हरी मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनता है, सुपर डुपर टेस्टी होता है ये। आपके घर में कोई भी किसी भी समय गेस्ट आते हैं आप इसे तुरंत तैयार करके सर्व कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनता है, जरा भी टाइम नहीं लेता और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अलग से ना कोई भूनना है ना फ्राई करना है, कुछ नहीं, सब एक साथ ही फ्राई होता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और इसे अब हमें ढककर 15 मिनट तक चिकन के गलने तक हमें इसको पकाना है मीडियम आंच में, फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए 15 मिनट हो गया है, अब इसको खोलकर देख लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया इसकी ग्रेवी आई है, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है ये। इसको एक बार चला देते हैं, ये देखिए चिकन गल गया है अच्छे से और ये बहुत जल्दी तैयार होता है, इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मेथी डालेंगे, ये देखिए हल्का सा क्रश करके। इसके बाद थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, और इन सबको मिलाकर इसको थोड़ी देर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए 2 मिनट के बाद ये देखिए कितना बढ़िया टेस्टी सुपर डुपर
टेस्टी बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी देखिए, अगर आप इसकी ग्रेवी और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन चिकन चंगेजी बना रहे हैं तो उसकी ग्रेवी गाढ़ी ही होती है, इसलिए ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। चिकन चंगेजी बनकर झटपट तैयार है, सुपर डुपर टेस्टी, बिल्कुल कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है। एक बार इसे आप ट्राई जरूर करिएगा और जब भी ट्राई करें आप हमसे अपना अनुभव शेयर जरूर किया करें, उससे हमें खुशी होती है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।